बेचते हैं, कितने रुपए किलो बेचते हैं उसको? 10 रुपए। 10 रुपए किलो, तो एक दिन में कितना कूड़ा इकट्ठा करने जाते हैं? एक कट्टे। सिखाया जा रहा है कि इन गद्दारों से लड़के हम अपनी धरती में भी उतना हिस्सा लेंगे, आसमान में भी उतना हिस्सा लेंगे, पर्वतों में भी हिस्सा लेंगे, नदियों में भी हिस्सा लेंगे, हर चीज में। सरकार लगातार मंदिरों के नाम पर डोनेशन उठा रही है, अगर ये डोनेशन शिक्षा के नाम पर उठाती तो इस देश का भविष्य कहाँ होता? अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर डोनेशन नहीं देंगे? अगर ये बच्चे अंधविश्वास से निकल जाएंगे तो? ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में कलियां तो क्या जा बिछा जाएंगे हम। शशि भूषण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो माता सावित्री बाई फूले पाठशाला लगातार यहां पे काफी दिनों से चल रही है और यहां पर हम देख रहे हैं कि काफी बच्चे लगातार पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो किस तरह की प्रेरणा मिल रही है इन बच्चों को, खासकर आप लोगों से? ये धरती हमारी, ये जंगल हमारा, ये नदियाँ हमारी, ये पर्वत हमारा, ये नदियाँ हमारी, ये पर्वत हमारा, भूखे रहें क्यों, जिल्लत सहें क्यों, उलगुलान गूंजे अब सबकी जुबानी। इस देश की नदी, इस देश की धरती, इस देश के पर्वत, इस देश के पहाड़ सब हम लोगों के हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश का ठेका अडानी अंबानी पे ही नहीं, इन बच्चों का भी है, जो गरीब बच्चे हैं सभी का है, और इनको हम वो हक लेने का रास्ता बता रहे हैं। और ये देश हमारा है तो इस देश को डेवलप करने में यही बच्चे, इनमें से अब्दुल कलाम निकलेंगे, इन्हीं में से अब्दुल हमीद निकलेंगे, इन्हीं में से बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकलेंगे, तो इन्हीं को तैयार किया जा रहा है। और तो इन्हें देश पर न्यौछावर होने की, यानी कि अंग्रेजों से लड़के भगत सिंह ने, उधम सिंह ने आज़ादी ले ली, लेकिन अब यहीं के काले अंग्रेज, काले गद्दार देश को कर रहे हैं, तो इन्हें वतन की राह में अगर इन्हें लड़ना भी पड़े, मरना भी पड़े, मिटना भी पड़े, तो इन्हें सिखाया जा रहा है कि इन गद्दारों से लड़के हम अपनी धरती में भी उतना हिस्सा लेंगे, आसमान में भी उतना हिस्सा लेंगे, पर्वतों में भी हिस्सा लेंगे, नदियों में भी हिस्सा लेंगे, हर चीज में हिस्सा लेंगे। शशि भूषण जी, बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि शिक्षित बनो। अगर शिक्षित बनो का अगर मैं सही रूप से यहाँ पर व्याख्या दूं, पहले तो हमें खुद शिक्षित होना है और उसके बाद हमें दूसरों को शिक्षित करना है, यही बाबा साहब की डेफिनेशन थी शिक्षित को लेकर। और आज उस कड़ी में आप बहुत बेखूबी से काम करें, क्योंकि आप शिक्षित भी हो और लगातार यहाँ पर जो आए बच्चे हैं ये इनको शिक्षित करने का काम करें, क्योंकि शिक्षा वास्तव में शेरनी का वह दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप लोगों के जो प्रयास है वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पूरे दिन में यहाँ पर लगातार कितने बच्चे आते हैं? देखिए, ये जो पाठशाला है ज्योतिबा फूले महासभा की तरफ से सावित्रीबाई फूले पाठशाला चलाई जा रही है, जिसकी अध्यक्ष ज्योतिबा फूले महासभा और सावित्रीबाई फूले पाठशाला जो चलाई जा रही है, इसकी अध्यक्ष निर्देश जी हैं, जो बहुत खूबी से इस पाठशाला को चला रही हैं। हम तो उसमें छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं, आगे और सिखा रहे हैं, हम तो छोटा सा योगदान निभा रहे हैं, और ये तो आने वाले वक्त की तलवार है, इन पर धार लगाई जा रही है। बिल्कुल जी, तो हम इन बच्चों से भी जानना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? कुसार। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7वीं में। यहाँ कब से आ रहे हो? 3-4 दिन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आकर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। क्या क्या पढ़ाया जाता है? ABCD ये सब पढ़ाया जाता है, अनार से अनार, प्लस गुणा, ये सब पढ़ाया जाता है। और क्या क्या चीजें यहाँ पर चर्चा होती है, किसी अन्य बातों पर लेकर पढ़ाई के अलावा? नहीं नहीं। आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष, यहाँ पर बेटा क्या सीखा है अब तक आपने? यहाँ पे आ से अनार, ABCD, संडे मंडे, फ्राइडे, जैसे दिनों का नाम, ये सब सिखाते हैं। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगता है? सही लगता है यहाँ पे, ये जो अच्छा लगता है। हाँ, ये दीदी लोग हैं जो आपकी किस तरह से हेल्प कर रही है? आपको पुस्तक वगैरह है या कॉपी है, पेंसिल है, वो आप खुद लेकर आते हैं यहाँ से मिलती है? मैम यहाँ पे देती है, सब सब मिलती है, पेंसिल, रबर कटर सब देती है। रबर कटर सब मिलता है। आज आज मैं आया था तो मिला। तो आप रहते कहाँ पर है? हम खोड़ा में रहते हैं, हमारा दुकान है सामने। किस चीज की? चाय की है। चाय की दुकान लगाते हो? बेटा आपका नाम क्या है? अकबर। मुर्गा अकबर। कहाँ से आते हो?
गुआपुर से। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या सीख रहे हो अभी? ABCD। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें सीखते हैं, जैसा कि जिन्होंने बताया कि कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन अभी जो स्कूल बंद है, लेकिन यहाँ पर बच्चे हैं शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं। और भी यहाँ पर बच्चे। बेटा नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद, स्कूल जाते हो बेटा? क्या क्या पढ़ते हो? मैं स्कूल नहीं जाता। स्कूल नहीं जाते हो? आप यहाँ पर कितने दिनों से आ रहे हो? यहाँ पे 4 दिन से। 4 दिन से। तो दीदी क्या क्या पढ़ा रही हैं आपको? बहुत चीज पढ़ा रही है। कैसा लग रहा है आप? यहाँ पे बढ़िया लग रही है। मम्मी पापा तो कुछ नहीं कहते आपको? नहीं, कुछ करते हैं। कुछ नहीं कहते हैं? तो और भी बच्चे आते हैं आपके साथ में? नहीं, सिर्फ वो आते हैं, और एक वो लड़का आता है। तो यहाँ पर हमने बच्चों से जाना है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर कुछ बिटिया भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा नाम क्या आपका? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से आते हो? भुआपुर से। अभी यहाँ पर आप क्या सीख रहे हो? यहाँ पर जो दीदी सिखा रही है या जो सर है वो सिखा रहे हैं, क्या क्या चीजें सिखाते हैं? ABCD सिखाते हैं। हाँ। आप स्कूल जाते हो? नहीं। आप काम क्या करते हो? कबाड़ा बीनती हूँ। कबाड़ा बीनते हो? तो बेटा आप कबाड़ा क्यों बीनते हो? मम्मी पापा पैसे। मम्मी पापा की वजह से आप स्कूल नहीं जाते हो? मम्मी ने एडमिशन नहीं कराया स्कूल में? कराया था, बाकी वहाँ से चला आया। वहाँ से चले आए हो। तो यहाँ पर अभी जो इस माता सावित्री बाई फूले में दीदी पढ़ा रही है, तो यहाँ पर पढ़कर अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। आपका नाम क्या है बेटा? आफरीन। आप भी इनके साथ आते हो? हाँ। कितने दिनों से आ रहे हो? बहुत दिन से। हाँ, तो दीदी लोग जो पढ़ाते हैं या भैया जो पढ़ाते हैं यहाँ पर, अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। मम्मी पापा खुश है आप लोग यहाँ पे आते हो? हाँ। तो अब जो आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, इस समय आप कूड़ा बीनते थे, तो जो कूड़ा बीनते हो बेटा, आप उसका करते क्या हो? बेचते हैं। कितने रुपए किलो बेचते हो उसको? 10 रुपए। 10 रुपए किलो। तो एक दिन में कितना कूड़ा इकट्ठा कर ले जाते हो यहाँ से? एक कट्टा। हाँ। तो आपने सुना कि जो जीवन बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए, या एक तरह से हम कहें कि स्कूलों में बिताना चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे, हमने इनसे जाना कि वो अपने घर की आजीविका को चलाने के लिए यहाँ पर हाजीपुर बॉर्डर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर कूड़ा बीनने के लिए आते हैं, और उन्होंने बताया कि इस कूड़े से उनके घर की आजीविका चलती है, और 10 रुपए किलो जो कूड़ा वो बेचते हैं उससे इनका पूरा परिवार का खर्चा चल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ में गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख पा रहे हैं कि जो माता सावित्री बाई फूले पाठशाला है, वो बहुत अच्छे तरीके से इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे देश की आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी, हम किसी भी दिशा में काम नहीं करना चाहेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं संगमित्रा। संगमित्रा जी, किस तरह से अपनी भूमिका दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मॉर्निंग में 10-10:30 बजे के आसपास आ जाते हैं, और बच्चों को जितना भी टाइम होता है दे देते हैं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं मिला है पढ़ाई लिखाई का। तो ये बच्चे अंदर से ही बहुत चाहते हैं पढ़ना, लेकिन माहौल नहीं मिला है इन्हें। जी, तो जिस तरह से शशि जी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन उस डिजिटल इंडिया में मेरे देश की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं कूड़ा बीनने का काम करते हैं, अपने पेट को भरने के लिए 2 वक्त ही गंदे संदे में रोटले उठाती है और उसको बेचती है। तो किस तरह से देख पा रहे हैं इस सरकार के डिजिटल इंडिया को? डिजिटल इंडिया को मैं इस तरह देख रहा हूँ कि मोदी जी सच में चाहते हैं कि देश के नागरिक बहुत अमीर हों, देश के पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे हों, लेकिन वो उनके चारों बच्चे, चारों मित्र हों, अंबानी, अडानी और वो नीरव मोदी, ये हों, बाकी और सब भूखे मरें। तो वही हाल है, स्कूल वो खोल रहे हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए खोल रहे हैं, इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे हमारे हैं तो हमें ही इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इनके लिए कोई मोदी या उनकी गवर्नमेंट नहीं लाएगी। अभी आपने उन लेडीज़ का बजट देखा होगा, उसमें शिक्षा के लिए उन्होंने जो था उसमें से घटा दिया है, बढ़ाया कुछ नहीं है। तो ये लोग तो चाह रहे हैं कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो भक्तों का आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से सरकार लगातार मंदिरों के नाम पर डोनेशन उठा रही है, अगर ये डोनेशन शिक्षा के नाम पर उठाती तो इस देश का भविष्य कहाँ होता? अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर डोनेशन नहीं देंगे? अगर ये बच्चे अंधविश्वास से निकल जाएंगे तो मंदिरों में जाएगा कौन? मोदी जी के और उनके यारों का फिर कैसे घर चलेगा? उन्हें चिंता 4 लोगों की है ना, उन्हीं को वो अमीर देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये थे शशि भूषण जी। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल, NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक